मैं संगीता टंडन दिल्ली की निवासी ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती हूँ। सभी साई भक्तों को ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधीरा योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सम सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं पहले बाबा को इतने करीबी से नहीं जानती थी। मैं बाबा को करीबी से जानने के लिए मेरे बेटे ने मुझे प्रोत्साहित किया। उसने ही सबसे पहले बाबा को मानना शुरू किया और मैं उसी के कदमों से उसी के भावों से मैं बाबा से जुड़ी। 2007 से मैं बाबा से जुड़ी और बाबा ने पग पग पर मेरा साथ दिया। हर जगह जहां मैं गिरी वहीं संभाला और अभी तक आज भी मैं उनसे यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा अभी तक आपने संभाला है, आगे आप भी संभालोगे। आजकल मैं थोड़ी अपने स्वास्थ्य को लेके बड़ी चिंतित हूँ। मैं बाबा को उतना समय नहीं दे पाती लेकिन फिर भी बाबा को पता है कि जिस रजा में वो रखते हैं उसी रजा में मैं रहती हूँ। मैं 25 मार्च की मेरी बुकिंग थी, शिरडी जाना था और मेरे को आजकल बहुत घबराहट की तकलीफ से चल रही थी। 24 की रात को मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट हुई। रात को 11:30 बजे मेरी हालत ख़राब थी और मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि मैं सुबह की फ़्लाइट नहीं ले सकती, मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी शिरडी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि ठीक है तू पहले अपनी तबीयत को दे। लेकिन मैंने फिर मंदिर में बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा अगर आप शिरडी बुला रहे हो तो आप ही लेके जाओगे और आप ही वापस मेरे को अच्छे से लेके आओगे। मैंने अपनी मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन खाई और मैं सेटल हुई और मैं रात को 11:45 बजे विकासपुरी चली गई अपनी सिस्टर के पास क्योंकि सुबह की फ़्लाइट लेनी थी मुझे। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची, मुझे नहीं पता एक लड़की आई चंडीगढ़ की थी, मैं जानती नहीं थी उसको। और सारे रास्ते में बाबा का जाप करती गई। मैंने कहा बाबा आप ही बुला रहे हो, आप ही लेके जाओगे और अच्छे से लेके जाओगे, मुझे पता है। इतने में चंडीगढ़ की एक लड़की मिली एयर बस पे और उसने वैसे ही उसके हाथ में एक टोकरी थी, उसमें बाबा के 3 स्वरूप थे और उसमें उसने एक बिस्किट का पैकेट और जल रखा हुआ था लेकिन टोकरी कवर थी। तो जैसे ही हम एयर बस पे बैठ खड़े हुए तो उसने मेरे को बोला दीदी साई राम। मैंने कहा साई राम? कह रही शिरडी जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहती है अपना ये बाबा ये टोकरी अपने हाथ में ले लो और मैं चंडीगढ़ से इनको लेके आ रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, अब आप उनको इनकी सेवा आप करो, आप ही एयरपोर्ट से शिरडी तक आप ही इनको इनकी सेवा करोगे। मैंने कहा ठीक है। मैं तो बड़ी ही हक्की बक्की रह गई कि बाबा, जैसे ही मैंने टोकरी खोली तो उसमें बाबा के 3 स्वरूप थे। मैंने कहा बाबा आपने दिल्ली से ही मेरा हाथ थाम लिया, अब मैं बेनिश्चिंत होके शिरडी पहुंचूंगी। रास्ते भर वो मेरी गोदी में वो टोकरी रही, मैंने उनको बिस्किट खिलाया और जल पिलाए थे, लेते गए हम शिरडी के एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां जाके उसने मेरे को बोला कि दीदी अब मेरे बाबा मेरे को वापस कर दो। तो मेरे को ये लगा कि मैं सारे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी शिरडी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कैसे, मतलब एक सपना लग रहा था। और बाबा ने मेरा वहीं से दिल्ली के एयरपोर्ट से ही हाथ थाम लिया और मेरे को सही सलामत शिरडी ले गए और वहाँ इतने अच्छे दर्शन दिए कि वो एक मेरा एक सपना ही रह गया। उसके बाद से तो हालात ही ठीक नहीं है, मंदिर बंद हो गया और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। द्वारका माई में इतने अच्छे से दर्शन किए, द्वारका माई में मैंने अपने हाथों से धूनी में लकड़ी और सारा धूनी का सामान अपने हाथों से पंडित जी को दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मेरा जीवन का एक बड़ा सपना था क्योंकि आजकल वो कुछ नारियल तक नहीं लेते अंदर, पता नहीं कैसे बाबा ने कैसे स्वीकार किया। सारा पूरा घी लोबान नारियल सब कुछ जो धूनी की सामग्री थी मैंने अपने हाथों से ला के दी और पंडित जी ने मेरे सामने ही बाबा की धूनी में डाली। ये एक मेरा बहुत बड़ा जीवन का सत्य साकार सपना संपूर्ण किया बाबा ने, इसलिए मैं हर पल बाबा का शुक्राना करती हूँ। हर पल यही कहती हूँ हर पल कि बाबा, हर रोज यही कहती हूँ सांसें देने का शुक्राना बाबा, हर पल आपका शुक्राना। जिस हाल में आप रखोगे उसी हाल में हम खुश हैं। सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।